अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं ये स्टूडेंट्स? तो आप लोग जानते हैं कि जैसा कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड कर रहे थे कि ये किस नेचर के रूट्स हैं, रूट्स रियल हैं, रैशनल हैं, इरेशनल हैं या इक्वल हैं या फिर कम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम जो है वो गिवन कंडीशन के मुताबिक जो स्टेटमेंट होगी उस स्टेटमेंट के मुताबिक हम अननोन फाइंड करते हैं। लेकिन इसके अंदर वही बात के वही कंसेप्ट वही जो है वो रूल्स जो हमने नेचर को फाइंड करने के लिए यूज़ किए हैं वही डिस्कस किए जाएंगे। मेन कि हम जो है वो उन रूल्स के एप्लीकेशन देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उन रूल्स को कहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास चैप्टर 2 चैप्टर 2 हमारा चल रहा है और इसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास है के स्केयर प्लस टू इंटू के प्लस वन एक्स प्लस फोर इज परफेक्ट स्केयर। स्टूडेंट्स वो जो रूल्स हमने डिस्कस किए लास्ट लेक्चर के अंदर वो रूल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होते हैं। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये जो है वो एक्सप्रेशन के लिए अलग से होगा। अब हमने ये बताना है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर के की कौन सी वैल्यू आए कि ये पूरी एक्सप्रेशन जो है ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्केयर बन जाए। तो इसके लिए हम इस का सोल्यूशन लेने के लिए यहाँ से पहले तो उसकी फॉर्म लिखते हैं के स्केयर एक्स स्केयर प्लस टू इंटू के प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी को यूज़ करते हुए ए बी सी की वैल्यूज हम अलग कर देते हैं। तो ए हमारे पास आ गया के स्केयर, बी हमारे पास आ गया टू इंटू के प्लस वन एंड सी हमारे पास आ गया फोर। तो अभी हम जो है वो परफेक्ट स्केयर लेना चाह रहे हैं, तो ये जस्ट एक्सप्रेशन के लिए है। इक्वेशन के लिए वही वाले रूल फॉलो करना होंगे जो हमने कल लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो ये आ रहा है फॉर परफेक्ट स्केयर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। यानी इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट बनाने के लिए इस एक्सप्रेशन का जो है जो के की वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड करने के लिए, या फिर ये अगर ये जो हमारी एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट स्केयर या परफेक्ट स्केयर होती तो इट मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना था, जीरो होना था। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट को जीरो पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब ए बी सी की वैल्यू जो है वो वहाँ से उठा के यहाँ पुटिंग देते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है के स्केयर, तो ये क्या बन जाएगा, इसका भी स्केयर आ जाएगा। उसके बाद माइनस सॉरी बी की वैल्यू हमारे पास है टू इंटू के प्लस वन होल स्केयर माइनस फोर इंटू ए, ए हमारे पास है के स्केयर इंटू सी, सी हमारे पास है फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी हम ये स्केयर ओपन करते हैं तो इस स्केयर में ये टू का स्केयर अलग हो जाएगा और इसका अलग टू का स्केयर बन जाएगा हमारे पास फोर, और इस पे ए प्लस बी होल स्केयर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे तो उसके मुताबिक ये बन जाएगा के स्केयर प्लस टू इंटू के इंटू वन प्लस वन स्केयर। मीन
ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस, एज इट रहेगा, फोर को फोर से मल्टीप्लाई करते हैं 16, और ये क्या जाएगा के स्केयर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप है इसको सिंपलीफाई करते हैं, और इस टर्म में 4 कॉमन आ रहा है और इधर 16 है, तो दोनों में से 4 हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास रह जाएगा के स्केयर, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2k प्लस 1, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास बच गया माइनस 4k स्केयर इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये उधर माइनस सॉरी ये डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे जाके, यहाँ बच जाएगा के स्केयर प्लस के स्केयर माइनस 4 के स्केयर, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 3 के स्केयर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर 4। ये वाला 4 राइट साइड पे गया और 0 से 0 को डिवाइड कर दिया उसने, तो ये हमारे पास बचेगा 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमें 0 ही मिलेगा, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस 1 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 3k स्केयर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से तमाम जो साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अब इस माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं इधर भी तो ये माइनस माइनस से कट गया और 1 से कैंसिल कर दें तो ये बाकी रह जाएगा हमारे पास 3k स्केयर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 r 3 एक प्लस का एक माइनस का मीन हमारे पास बच गया माइनस 3 3 1 r 3 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं तो 2 भी बन रहा है। अगर हम ऐसा कर दें 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3k कॉमन, यहाँ रह जाएगा k माइनस 3k कॉमन ले चुके हैं 1 आ गया, यहाँ से प्लस का साइन है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लिया तो ये बन गया k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर या इन दोनों जो है वो टर्म में से k माइनस 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा और इधर रह जाएगा 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इट मीन्स हम इसको भी 0 पुट कर दें या इसको या दोनों को, अब दोनों को 0 पुट कर देते हैं तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये k हमारे पास आ गया 1, इधर से आ गया 3k इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा k इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास k की वैल्यूज आ गई, अब k की इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, अगर 1 पुट करें फिर भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और अगर माइनस 1 ओवर 3 पुट करेंगे तो फिर भी परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो 1 r माइनस 1 ओवर 3 आर द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास k की वैल्यूज है, यानी अब हम अगर उसको वेरीफाई करना चाहते हैं आया कि ये बात दुरुस्त है या नहीं तो हम यहाँ पे पुटिंग करके कर सकते हैं, तो जब यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1 एक्स स्क्वायर के साथ लिखा नहीं जाएगा, यहाँ 1 लगाएंगे 1 प्लस 1 2 2 और 2 4 हो जाएगा और वहाँ ऑलरेडी 4 है तो उसको स्क्वायर बनाएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज वही हमारी 2.1 उसका क्वेश्चन 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 एक्स
प्लस फोर के प्लस प्लस थ्री के प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो मीन ये जो हमारी इक्वेशन है इसके हमने क्या करने हैं रूट्स को लेते हुए कहा गया क्या इक्वल की इसके रूट्स इक्वल का कंसेप्ट रखते हुए हमने क्या करना है इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट पे हम यही इक्वेशन लिखेंगे एक्स के प्लस टू इंटू के प्लस टू एक्स प्लस थ्री के प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से ए बी सी को हम अलग कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 तो बी हमारे पास आ गया 2 इंटू के प्लस 2 एंड सी इज इक्वल टू 3 के प्लस 4। अब क्वेश्चन के अंदर हमें कंडीशन दे दी गई है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। तो इक्वेशन के रूट्स जो है वो कब इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है जो कल हमने फोर रूल्स को डिस्कस किया था यानी लास्ट लेक्चर के अंदर तो वो हमारे पास था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाता है तो फिर इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया रूट्स इक्वल है जब रूट्स इक्वल हैं तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो रख सकते हैं एज या सिंस क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जब डिस्कस किया गया तो वो बात हमें मालूम है तो इसलिए हम एज या सिंस का वर्ड यूज करेंगे कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ए बी सी के वैल्यूज पुट करते हैं। बी हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 एंड सी जो है वो हमारे पास क्या है 3 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं और सिंपलीफाई करके इसको इसमें से के फाइंड करते हैं। अब ये स्क्वायर ये 2 पे भी स्क्वायर है और k प्लस 2 पे भी 2 का स्क्वायर लेंगे ये बन जाएगा 4 एंड जब k प्लस 2 पे लगाएंगे तो इस पे a प्लस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन फर्स्ट टर्म इंटू b यानी सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म यानी 2 का स्क्वायर। उसके बाद है माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और ये बच जाएगा 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 टर्म्स बन रही हैं एक ये इस पूरे में से 4 कॉमन और एक ये टर्म इस पूरे में से 4 कॉमन। अब इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं हमारे पास बच जाएगा k स्क्वायर इसको सिंपलीफाई करते हैं 2 2 4 ये बन जाएगा प्लस 4k प्लस 4 यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया हमारे पास बच गया माइनस 3k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 पूरे में से कॉमन आ रहा है 4 पे डिवाइड कर देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा बाकी हमारे पास बच जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 3k माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रह गया k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3k। अब k स्क्वायर वाले टर्म एक ही है वो एडिट आ जाएगा और जो हमारे पास 4k और यहाँ माइनस 3k तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ये जो वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है कि यहाँ से हमने क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फैक्टराइज अगर करना चाहें तो फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप यानी कॉमन लेने वाला होता है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है तो कॉमन ले लेते हैं के कॉमन आ गया तो बाकी आ गया हमारे पास के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू 0 या फिर क्या हो जाएगा के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 1 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो के इज इक्वल टू माइनस 1 ये हमारे पास के की वैल्यूज आ गई। सो required values are 0 and
माइनस वन। सो जी स्टूडेंट्स, तो अगर के की जगह पे हमारे पास उनमें से ये कोई भी वैल्यू आ जाए तो इसके रूट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। मीन डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर हम के जीरो पुट कर दें फिर भी हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा, और अगर के माइनस वन पुट कर देते हैं तो फिर भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर के जो रूल थे उनको अप्लाई करना जो है वो सीखा। एक रूल हमने अभी इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया कि रूट्स इक्वल हो तो फिर डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है। जैसा कि हमने कल बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तो रूट्स इक्वल होते हैं, और यहाँ पे क्या किया गया, कहा गया कि रूट्स इक्वल हैं तो लहजा डिस्क्रिमिनेंट को हमने जीरो रखते हुए हमने क्या कर दिया, के की वैल्यू फाइंड कर दी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।